नमस्कार दोस्तों, हेल्प वीडियो हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जन्म पंजीकरण को आप किस प्रकार घर बैठे बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट में ऑनलाइन एक फॉर्म भर के। तो वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी आपको जन्म पंजीकरण किस प्रकार बनाना है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास बेल आइकन को दबा दे जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं कि जन्म पंजीकरण का फॉर्म आपको किस प्रकार घर बैठे भरना है। आपको pehchan.raj.nic.in की वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पे आने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा आमजन आवेदन पत्र भरें, इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दी गई है, वो आपको यहाँ से पढ़नी है। तो यदि आपका बच्चा 30 दिन से कम छोटा है, यानी कि 1 महीने का नहीं हुआ है, तो आपको अपने माता पिता के आधार कार्ड आपके पास होने चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा 30 दिन से ज़्यादा है और 1 साल से कम है, तो आपको जो आपकी पंचायत समिति है उसमें वीडियो बैठता है उसके आपको अनुज्ञा पत्र पर शपथ पत्र साइन करवाने होंगे। यदि आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है और 1 साल से बड़ा है तो आपको तहसीलदार से अनुज्ञा पत्र पर साइन करवाना होगा। तो आपको ये अनुज्ञा कहाँ से मिलेगा? यदि आपका बच्चा 30 दिनों से बड़ा है तो आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऊपर ऑप्शन दिख रहा है, इसमें यहाँ पर ये जन्म मृत्यु पंजीकरण हेतु शपथ पत्र, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से शपथ पत्र लाने के बाद में कि आपको प्रोसेस यहाँ पर वैसा का वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा दस्तावेज का फर्क था वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर जन्म पत्र के लिए आवेदन, तो यहाँ पर जन्म के ऊपर यहाँ पे आपको टिक मार्क कर देना है और यहाँ पर नया आवेदन हेतु, यहाँ पर ऑटोमेटिक ये इस पे ही आता है, नहीं हो तो आपको इस पे क्लिक करना है। जो कैप्चा लिखा हुआ है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। तो हम यहाँ पर फिलअप कैप्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कैप्चा फिल कर लिया है और प्रवेश करें पे क्लिक कर देना है। अब आपके पास में यहाँ पर एक फॉर्म ओपन होके आ चुका है। तो इस फॉर्म को आपने यहाँ सबसे पहले जन्म तिथि डालना है, उसके बाद में पुरुष महिला जो भी है सिलेक्ट करना है, उसके बाद में जन्म आधार कार्ड या एनरोलमेंट संख्या डालनी है, उसके बाद में शिशु का नाम आपको हिंदी में लिखना है, यहाँ पर शिशु का नाम आपको अंग्रेजी में लिखना है, शिशु के पिता का नाम आपको यहाँ पर हिंदी में डालना है, पिता का नाम अंग्रेजी में डालना है, फिर आपको पिता का आधार नंबर यहाँ पे डालना है। ध्यान रहे कि जो आधार में नाम है वही नाम आपको ऊपर डालना है, वरना आपका यहाँ पर आवेदन नहीं हो पाएगा। उसके बाद में शिशु का माता हिंदी अंग्रेजी में दोनों में लिखना है आपको और आधार नंबर नीचे डालना है। यहाँ पर भी ध्यान देना है कि आधार में जो नाम है वही यहाँ पे ऊपर डालें, वरना आपका आधार यहाँ पे लॉक नहीं हो पाएगा और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसके बाद में आपको घटना का स्थान यहाँ पर गांव या शहर, उसके बाद में जिले का नाम सेलेक्ट करना है, पंचायत समिति का सिलेक्ट करना है, पंचायत का आपका सेलेक्ट करना है जो आपकी पंचायत है, और फिर ग्राम का सेलेक्ट करना है। उसके बाद में माता पिता का पता हिंदी में आपके ऑटोमेटिक आ जाएगा और इंग्लिश में भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर यही जन्म के समय माता पिता का स्थान था, आपका बच्चा जब जन्मा था तो यही स्थान था, तो आपको हाँ पे क्लिक करना है तो ये भी ऑटोमेटिक भर जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर पिन कोड लगा देना है, जन्म का स्थान संस्थागत यानी कि आपके हॉस्पिटल में बच्चा हुआ है, और गैर संस्थागत यानी कि बच्चा घर पे हुआ है, तो वो आप हिसाब से अपने सेलेक्ट कर देना। यदि संस्थागत हुआ है तो अस्पताल का नाम लिखना है, यदि ग्राम में उप स्वास्थ्य केंद्र पर हुआ है तो आप उप स्वास्थ्य केंद्र जो आपका गाँव है वो लिख लेना। फिर उसके बाद में इतला देने वाले का नाम आपको यहाँ पर इतला किसमें दे रहे हो आपका नाम लिखना है, और आपके आधार नंबर डालने हैं, मोबाइल नंबर डालना है, और आपका पता लिखना है। उसके बाद में सूचना की दिनांक यानी कि आज की दिनांक जिस दिन आप भर रहे हैं ये फॉर्म, वो आपको डालनी है, और यहाँ पर टिप्पणी में आपको कुछ नहीं छोड़ देना है। फिर यहाँ पर आपको अपने गाँव का पूरा एड्रेस लिखना है, फिर यहाँ पर आप नगर से हैं गाँव से हैं तो गाँव में
से तो गांव कर लेना है, सर से सर करना। फिर यहाँ पर राज्य का नाम राजस्थान आ चुका है, जिले का नाम आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, परिवार यहाँ से आप जिस धर्म से हैं वो यहाँ पे टिक मार्क कर लेना है। उसके बाद में पिता का शैक्षणिक स्तर जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, माता का सेलेक्ट करना है, पिता का व्यवसाय, माता का व्यवसाय सेलेक्ट करना है। फिर विवाह के समय माता की आयु यहाँ पे आपको लिख लेनी है कि विवाह हुआ जब आयु कितनी थी, 18 साल यहाँ पे आप लिख सकते हैं। शिशु के जन्म के समय माता की आयु यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि पहली संतान है तो 20 साल आप लिख सकते हैं। उसके बाद में इस बच्चे को सम्मिलित करते हुए माता के जीवित बच्चों की संख्या, यानी कि आपको ये बच्चा हुआ है इससे पहले कितने बच्चे हैं, तो टोटल यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पर प्रसव के दौरान उपलब्ध कराई गई परिचर्चा में आप यहाँ संस्थागत सरकारी लिख सकते हैं, संस्थागत निजी एवं गैर संस्कारी जो भी आपका है वो यहाँ पे लिख सकते हो। प्रसव पद्धति में आप प्राकृतिक सिजेरियन यदि ऑपरेशन हुआ है जो भी हुआ है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं और वर्णित भी कर सकते हैं। बच्चे का वजन यहाँ पर लिख सकते हैं 3 किलोग्राम आप यहाँ पर लिखना है आपको, क्योंकि एक स्वच्छ बच्चे का जन्म के समय 3 किलो वजन होता है। यहाँ पर गर्भावस्था की आप अवधि लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 42 सप्ताह लिख सकते हैं। और उसके बाद में आपको यहाँ पर कैप्चा जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे डालना है और इंद्राज करे पे क्लिक कर देना है। आपके पास एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा आपके मोबाइल पर और एक यूजर आईडी पासवर्ड भी आपके मोबाइल पर SMS के जरिए आ जाएगा। तो अब ये आपको रखना है और जो आपका पेज है वो आप अपने ग्राम सेवक, यदि ग्राम से ग्राम में रहते हैं तो अपने ग्राम सेवक को कॉल करके इसे अपलोड करवा सकते हैं। तो आप वहां पर कॉल करना अपने ग्राम सेवकों की, मैंने ये एक फॉर्म चढ़ाया है, और आप उनको व्हाट्सएप पे कॉपी भेज देना अपने आधार कार्ड की और आपका जन्म पंजीकरण बन के तैयार हो जाएगा। और वापस आपको डाउनलोड करने के लिए यहां पर आवेदन की स्थितियाँ सर्टिफिकेट प्रिंट करने में आप आ सकते हैं और यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। यदि ये भरे हुए फॉर्म को आप यदि प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आवेदन पत्र प्रिंट करें इस पर आपको क्लिक करना है, और आपके पास रेफरेंस नंबर SMS के जरिए आया है और पासवर्ड आया है वो लगाना है, कोड डालना है, प्रवेश करना है और यहाँ से आप वो भी आवेदन पत्र भी प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जाते जाते हमारे चैनल हेल्थ वीडियो हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करना और पास बेल आइकन को दबा देना जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। जय हिंद।